चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 16। हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में लास्ट क्लास में हम लोग सीखा था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और उसके बारे में वर्किंग सीख ली थी, है ना। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब किस किस चीज के लिए अपन यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखिए, सबसे पहले क्या, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। मतलब वोल्ट मीटर का ये एक रिप्लेसमेंट माना जा सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर भी क्या करता था, किसी भी लोड के अक्रॉस क्या करता था भाई, किसी भी वोल्टेज को मेजर करता था, ठीक है। नोट करना शांति से, परेशान मत होना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा क्या है कि किसी भी, अगर आपको मैंने एक सेल पकड़ा दी और मैंने उसका आपको वोल्टेज नहीं बताया, या फिर कह सकता हूं कि बैटरी का ईएमएफ नहीं बताया मैंने। ईएमएफ क्या होता है, जब सप्लाई नहीं कर रही है बैटरी उस टाइम पर, उसका जो वोल्टेज होता है उसी कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक। तो इसका मतलब है, जो सर्किट को ध्यान से इमेजिन करें, तो पहली बार सर्किट में एक हमारी, हमें नॉन ईएमएफ होता था, सेल लगी होती थी, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, फिर हम लोग एक रियोस्टेट लगाते थे, और सेकेंडरी सर्किट में क्या होता था, एक बैटरी लगी थी और एक गैल्वेनोमीटर लगा था। तो इसका मतलब है कि जब हम जॉकी को आगे पीछे करेंगे, बैलेंस कंडीशन तक ले जाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, उस टाइम पर जो सेकेंडरी सर्किट की जो सेल है उसका ईएमएफ निकालने के लिए वो काम आएगा। कैसे किया था हमने, वो चीज याद करनी चाहिए आपको, ये मैं एक सेकंड में आपको सिखा दे रहा हूँ। आपको लास्ट क्लास में मैंने सिखाने की कोशिश की थी, उस टाइम अगर आपको याद हो तो आप ऐसे, मैंने कहा था अगर यहाँ पर ये क्या हो जाए, जीरो, क्या हो जाए ये जीरो, तो एक सिंपल सी बात है कि सर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल हो जाएगी। ब्रांच कहने का मतलब क्या है कि वो बैलेंस कंडीशन के लिए इसकी कुछ एल लेंथ मान लेते हैं, है ना, क्या मान सकते हैं, एल लेंथ मान सकते हैं। तो क्या इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, आंसर है यस, हम निकाल सकते हैं। कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी अच्छे से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जिससे कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप में नोन हो जाएगा वही होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मतलब एक अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर बेस्ट यूज है, ठीक है। चल, उस टाइम पे नहीं सोचा होगा, लेकिन अब आगे देखिए, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, तो सर कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग हम अननोन पोटेंशियल की बैटरीज को लगा देंगे, ठीक है, या सेल्स को लगा देंगे। एक बार हम सेल वन के लिए चेक कर लेंगे, एक बार हम सेल टू के लिए चेक कर लेंगे। जब दोनों का वोल्टेज मिल जाएगा तो उनका हम क्या करना है, डिवीजन करना है E1 अपॉन E2, और हमें आंसर मिल जाएगा। ये भी समझ में आ गया, एक ये होता है, ठीक। टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का, अब हमें ये नोन हो जाएगा, सेकेंडरी सर्किट नोन होगी तो हम प्राइमरी में कोई भी अननोन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, किसी दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। टू फाइंड आउट द करंट इन गिवन सर्किट, करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी आप देखो अननोन्स को कम करते जाओ, आपको याद रखना है कि सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। करंट रिलेटेड होता है किससे, वोल्टेज से, है ना, और रेजिस्टेंस से। तो इसमें से हमें एक ही अननोन लेके सर्किट में हम सॉल्व कर सकते हैं। करंट निकालना होगा तो हमें ईएमएफ पता होगा, ठीक। हम सर्किट का बेसिक केवीएल केसीएल का यूज करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के, ठीक है। ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की मदद से इतनी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, नोट करो भाई। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है, नोट कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो फिर फटाफट, वेस्ट हो रहा है। अभी हेडिंग आएगी, पहली हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं ना। देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये सर्किट आपको दिख रही है, सर्किट क्या है, पहले प्राइमरी सर्किट कौन सी है भाई, ये बताओ, प्राइमरी सर्किट कौन सी है, इसमें से पोटेंशियोमीटर है ना, तो पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी सर्किट कौन सी होगी, ऊपर वाली। अब यहाँ पर पहला जो है वो क्या कर दिया हमने, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब तुम कहोगे सर सेकेंडरी सर्किट में, कहोगे बात सही है, दो बार सर्किट बनाए, इससे अच्छा मैंने एक ही बार अरेंजमेंट ऐसा कर दिया, हमने दो सेल ले ली, अलग अलग दो बैटरी ले ली, वो आती ना एवरेटी की बैटरी, वो ले ली हमने, ठीक है। तो एक बार एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर यहीं से एक ऐसा स्विच लगा दिया, अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि बस इस तार को अलग करना है, इस तार को यहां से अलग करेंगे और इसको यहां से ऐसे जोड़ देंगे। अब ये वाली सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो दो सर्किट बन जाएगा एक ही सर्किट में। हमने कैसे लगाया, टू वे स्विच, कहते हैं टू वे स्विच, यहां पर टू वे स्विच लगा दिया,
ठीक है, ये दो अलग अलग कनेक्शंस को परफॉर्म कर सकता है एक ही साथ, एक बार में एक करेगा एक बार में दूसरा करेगा। तो अगर हम अभी देखें ध्यान से, तो ये जो E2 लगा है, E2 में कोई करंट पास होगा? अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तब भी हम कह देंगे सर जब तक क्लोज्ड लूप नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं करता, यहाँ से करंट आएगा तो जाएगा कहाँ, हवा में थोड़ा ना चला जाएगा, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक है, इसका मतलब यहाँ करंट आएगा ही नहीं, ये ओपन सर्किटेड है। इसका मतलब है कि अभी अगर मैं देखूं, मैं चाहूं तो इसको यहां से ऐसे करके गायब कर दूं तो आपको पता ही चलेगा कि यहां पर कुछ था भी, क्योंकि यही इसका पर्पज ही है, ठीक है, ओपन सर्किट दिखाने का। मतलब ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सर्किट, डॉटेड लाइन क्यों बना रखी है, ये दिखाने के लिए कि जब हमने ईवन के साथ क्लोज सर्किट रखा तो मेरा जो कि यहां पर कहीं बैलेंस हो रहा था, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, जीरो, जीरो रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैंने इस सर्किट को ओपन किया, अब मैं इसको फिर से ऐसे हटाऊंगा और अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से, अब मैं इसको पेंट कर दूंगा, मतलब ये दिखे ना तुम्हें, है ना, जिससे कि तुम डरो नहीं। और मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो जब मैंने क्या कर दिया, अब E2 को कनेक्ट कर दिया, तो जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो डॉटेड वाले पोर्शन मतलब J डैश पर जाके बैलेंस हो रहा था। J डैश वो पॉइंट है जहां पर आपका E2 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर आपकी रीडिंग कितनी दे रहा है, जीरो रीडिंग परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया ये J डैश और J का क्या मतलब है, ठीक है, दो अलग अलग सेल को हम कंपेयर करने के लिए उनका अलग अलग बैलेंस कंडीशन निकालेंगे, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ, कह रहे हैं प्लग ओनली वन टू, मतलब कह रहे हैं वन टू को जोड़ दो, ठीक है, जॉकी इज एट पोजीशन जे, तब जॉकी कहाँ पर है, जे पॉइंट पर जाके बैलेंस हो रहा है। तो मान लेते हैं एजे की लेंथ कितनी है एल वन, ए कहाँ है ये और जे, इनके बीच की दूरी कितनी है एल वन, ठीक है, दिस इज माई बैलेंस लेंथ, ठीक है। आगे तब E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, x into L1 where x is nothing but potential gradient, क्या होता है ये potential gradient, लिख रहा हूं, लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में लिखिए। तो potential gradient क्या होता है, potential per unit length, क्या होता है x is equal to potential per unit लेंथ। तो अपने को जितने लेंथ का भी चाहिए होता है हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने का हमें क्या मिल जाता है ईएमएफ या फिर पोटेंशियल मिल जाता है। इसी तरीके से E2 की वैल्यू निकालने के लिए हम उन्होंने क्या कर दिया, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, हमने बोला कि J- वो पॉइंट है जहां पर बैलेंस कंडीशन मिल रही है या फिर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो AJ- की लेंथ कितनी मानी हमने L2, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x L2। तो जो मैडम ने पूछा था अभी सवाल कि सर E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 कैसे होता है, तो क्या आपको दिख गया ये, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि कंपैरिजन करना है सर का, तो हम सिर्फ बैलेंस लेंथ को देख के या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उस लेंथ का रेशियो भी निकाल लेंगे तो भी हमें ईवन अपॉन ई टू की वैल्यू मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो, माफ करना, कहां चले गए, घर पे जाके पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो जरा, अगर कभी भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो किसका, सेल का, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्किट दिख रही है आपको, प्राइमरी सर्किट कौन सी होगी, ऊपर वाली, सेकेंडरी, नीचे। यहाँ क्या कर दिया, ये आपकी रही सेल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, ऐसे लगाने के बजाय हम इसको ऐसे भी तो लगा सकते थे, ये रही मेरी सेल, मैंने सर्किट का सिर्फ उतना पोर्शन बनाया जितने से मुझे मतलब था, ये मेरा प्लस माइनस ई, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने इस चीज को यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको मैं यहां से और यहां से भी तो कर सकता हूँ, बात तो एक ही है, लेकिन सिर्फ डराने के लिए वो इस तरीके से बना रखा है, ऐसा लगे कि वहां पर है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो वायर ही है, वायर जैसे चाहो वैसे कनेक्ट करो, ठीक है। बस पॉइंट नोड जो है वो सेम होना चाहिए, नोड नहीं बदलना चाहिए, बस, ठीक। यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो जरा, अगर हम E की बात करें, E की वैल्यू क्या होती है, V प्लस, सही है, मतलब उसका जो टोटल ईएमएफ है वो, अगर हम अगर याद नहीं हो जिसको, उसके लिए बता रहे हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वेशन कैसा होता है, टर्मिनल वोल्टेज V
वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। आई आर क्या है, ये जो लॉस हो गया है ना, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो ठीक। तो यहां से अगर हम बात करें, अगर हमें स्मॉल आर चाहिए तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस वी अपॉन आई, या फिर यहाँ पर आई को ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। अब जरा इसमें देखते हैं पोटेंशियोमीटर में, जब K की क्या कर दिया मैंने, की ओपन कर दी। की ओपन करने का क्या मतलब होता है बताओ, सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगी, ठीक है। की ओपन करने का मतलब है ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, मतलब मैं इसको छुपा सकता हूँ, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला कि J वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था, और AJ की लेंथ कितनी ली इन्होंने, L1, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x L1। सिंपल हो गया पोटेंशियोमीटर, पीछे वाला जो हमने पढ़ा था अभी। फिर क्या बोला, अब उन्होंने जब की को क्लोज कर दिया, की को क्या कर दिया क्लोज, तो मतलब ये चीज वापस से सर्किट में प्ले में आ गई। अब इन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो J डैश पॉइंट पर कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी हो गई L2। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, x L2, ठीक है, कोई दिक्कत करो फिर। तो ये वाला जो पोटेंशियल है यही हो जाएगा आपका। अब ये लोड की वजह से हो रहा है ना, ये क्या लोड की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे लोड क्या है, लोड यही तो है, ठीक है। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो स्मॉल आर कैसा दिखेगा बताओ, स्मॉल आर क्या जाएगा, ई की जगह एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू, और नीचे क्या जाएगा एक्स एल टू, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू, समझ में आया ये कैसे आया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है, इंटरनल रिलेशन निकालने के लिए। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया कि ये V कैसे बन गया, मैं एक सेकंड में समझा देता हूं, ठीक है, किसी को अभी नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अरे भाई साहब ये बताओ, J डैश पर अगर आपका गैल्वेनोमीटर कहता है कि यहां से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, कोई करंट यहां से पास नहीं हो सकता, अच्छा इसका मतलब है ये जो कनेक्शन है इसका कोई मतलब है, आंसर इज नो सर, ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, बिकॉज इसके आगे तो करंट कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, सर्किट आपकी ओपन हो गई। सुनते जाना ध्यान से, इसका मतलब इसको ई को अलग कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं है, एक ऐसे जो है इनका एक हाथ ऐसे ऊपर है, कोई मतलब नहीं है, एक हाथ से पकड़ के बैठे हुए तो करंट पास होगा, जैसे कि आपको मैं करके दिखाता हूं, कोई भी एक वायर जो है आपका, जैसे इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, तो मैं किसी भी एक वायर पकड़ के, कल ये देख रहा था लड़का है ना, कल मैं कर रहा था, तो एक वायर को उसमें लाइव वायर था, वो एक वायर को पकड़ के मैं बड़ा हीरो बन रहा था, हीरो नहीं बन रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉलेज है कि मुझे पता है सर्किट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, कितना भी करंट आएगा सर्किट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं जूता पहना हुआ हूं, मुझे पता है मैं दूसरे वायर को टच नहीं करूंगा, फिर हुआ क्या, एक्सीडेंटली वो दूसरा वायर हल्का सा टच हो गया मेरी स्किन से, तो मुझे करंट लग गया, है ना, तो जादू नहीं था वो, बस ये था कि सर्किट कंप्लीट। अभी क्या हो गया, अगर मैं उस टाइम पर लाइव वायर को पकड़ा हुआ था, अगर मैं दीवार पे से मेरी पोनी टच हो जाए तो भी करंट लग जाएगा, किसी तरीके से सर्किट कंप्लीट हुई तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए करंट पूरा कौन कंज्यूम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस कॉक्स। तो मतलब सर्किट कितनी सिंपल हो गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सारा का सारा करंट कौन कंज्यूम कर रहा है, ये, तो जो आपका पोटेंशियल है वो तो यही वाला होगा, है ना। तो पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट से जब मैंने देखा तो मैंने यहाँ पर एक्स इंटू एल टू किया, तो मैं इनडायरेक्टली मैं किसका पोटेंशियल निकाल रहा था, मैं रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था मैं वो निकाल रहा था, है ना। अरे ये येलो कलर तो दिख ही नहीं रहा है, और ये बच्चे बोलते भी नहीं है, गजब बेवकूफ है, हैं, ये दिख एक भी नहीं रहा है, मैंने अभी वीडियो में देखा, लाइव वाले बच्चे लग रहा पढ़ नहीं रहे, नहीं तो कंप्लेन करते, यहां पर करंट जीरो है, कंप्लेन करना चाहिए भाई, क्या पता यहाँ तो दिख रहा है करें कल एकदम क्लियरली। मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ किया है यहाँ,
ये तो दिख रहा है अब, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आपने दो फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। अच्छा आप तो जो नोट नहीं कर पाए थे, देखो ये ऐसे होता है, देखो यहाँ पर इधर देखो क्या नाम सत्यम, तुम ये हेडिंग जो तुम नोट नहीं कर पाए थे वही हमने पढ़ाया। फिर हमने इंटरमेशन वाली बात करी थी, ये दोनों हेडिंग आपकी कवर हो गई, ठीक है, ये दो पढ़ा रहे थे अभी, तो इसको ऐसे नोट कर लेना। ये नोट हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कह रहे हैं दो रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना है। तो नीचे देखो, जिस चीज हमेशा जिस चीज को हमें फाइंड करना है, कंपैरिजन करना है, कुछ भी करना है, सेकेंडरी सर्किट में ही करेंगे, प्राइमरी सर्किट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो देखो सर्किट साथ साथ में बनाते चलना, ठीक है। कोई डार्क कलर होना चाहिए जिससे कि सर्किट पे पता चल जाए। तो यहां पर देखो ध्यान से, चलो मैं ये कलर ट्राई करता हूँ, ये वाला है ना, ठीक, देखो नहीं ये नहीं दिख रहा, वो ब्राइटनेस है ना उसमें, नहीं रेड कलर बेस्ट है, रेड कलर क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो दिख जाता है। चलो ये आपका हो गया प्राइमरी सर्किट, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, ये सारी चीजें आपको नोन है ना, ये आप ई नहीं लिखता हूँ ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ई लिखूंगा तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर ये प्राइमरी होगी, सेकेंडरी सर्किट में क्या कर दिया अपन ने, जॉकी के साथ एक 11 वोल्ट कनेक्ट होना चाहिए था वो कर दिया। अब यहाँ पर अगेन है ना, यहाँ पर आपकी एक सर्किट बनाई R1 R2, ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल कितना है, V के बराबर है, ठीक है। अब देखना ध्यान से कैसे सर्किट में, देखना ओपन कब हो रहा है, देखते जाएंगे ध्यान से। अगर मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया, कहां से 1 से, तो आप लोग ध्यान से देखना करंट यहां से चल रहा है, अब गैल्वेनोमीटर जब 0 करेगा तभी ये ब्रांच ओपन होगी, नहीं तो क्लोज होगी, है ना। तो अगर ये ओपन हो जाएगी तब तो ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो वहां पर दो पैरेलल ब्रांचेस इतना वर्क करेगा कि नहीं करेगा, जाने के रास्ता एक से ज्यादा हो गया, मतलब ब्रांचेस दो हो गई और पैरेलल हो गया, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन अटेन करने के बाद ही ये सर्किट नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी, बताओ, ये आपकी सर्किट पूरी कंप्लीट होगी। ध्यान से देखो, अगर हमने कह दिया यहाँ पर 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं, मतलब ये हमने ऐसे मतलब 1 2 कनेक्ट कर दिया, ये आपका 1 2 कनेक्ट हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा ध्यान से देखना, तो उस केस में जो आपकी बैलेंस कंडीशन आ रही है वो हम कह रहे हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस R1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, मैं यहां लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा बताओ, I into R1, कैसे, ये हमने ओम्स लॉ से सीखा था, है ना, V = IR होता है, और V की वैल्यू होगी कितनी, XL1 के बराबर, क्लियर है। फिर 2 3 को जब प्लग करेंगे, मतलब अभी क्या होगा सर्किट में, अब हमने बोला 2 3 को करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना अब क्या होगा, जब बैलेंस कंडीशन आएगी तो अब ये दोनों ब्रांच से होके करंट गुजर रहा है ना, तो R1 R2 दोनों अब प्ले में आ गए, तो अब क्या होगा, R1 + R2 हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो अब अगेन ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो I into R1 + R2, मतलब R = क्या जाएगा, XL2। तो अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे, V1 और V2 का रेशियो करोगे तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, I R1 + R2 / I R1, रुको हम करके दिखा रहे, नहीं तो भी कंफ्यूज हो गए, देखो V2 / V1, मैंने क्या बोला, V2 / V1, मैंने ये बोला कि ये आपका है V2 और ये क्या है आपका V1, ठीक है बॉस। तो V2 / V1 = क्या आ जाएगा, I R1 + R2 / I R1 = XL2 / XL1, I कट जाएगा, ठीक, X भी कट जाएगा, यहां से क्लियर हो गया, R1 + R2 / R1 = L2 / L1, ठीक है।
अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो अगर हम R1 अपॉन R2 की बात करें उसके लिए कितनी आएगी, L1 प्लस L2 अपॉन, ठीक है बचा नहीं बचा होगा मुझे पता, बचा कैसे कैसे क्या उल्टा कर दिया है? क्या उल्टा कर दिया है, R1 R2 था उसको L2 और L1 में चेंज करा है। अच्छा और क्या किया है, अच्छा और बस L2 प्लस L1 आएगा कि L1 L1 माइनस L2 आएगा, ये गलत है, ये क्या आ जाएगा बताओ, इसका एलसीएम 1 प्लस R2 अपॉन, ठीक है कर लो सॉल्व इसको, ये R2 अपॉन R1 होगा, ये सब गलत है, मेंटेन डेवलपर सब ध्यान देते हैं, उनको तो उस कॉपी पेस्ट करना है, हाँ और क्या गलत है, वो सही कर दिया मैंने, इसे जो हम डिराइव कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो, सिंपल है ना, अभी 1 को आप इधर कर दो L2 अपॉन L1 माइनस, ठीक है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और इसके करोगे तो L2 माइनस L1 अपॉन L1 आ जाएगा R2 अपॉन R1, इसका फाइनल फाइनल आंसर क्या आएगा, ये देखो ये पूरा गलत है, L2 माइनस L1 अपॉन L1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां मैं फाइनल लिख रहा हूं R2 upon R1 is equal to L2 minus L1 upon L1, ठीक है? अनायता एंड महक आप लोग तो सो रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या हो गया भैया? नोट कर लीजिए, अच्छा फटाफट चलो, समझ में आया कि नहीं, बस नोट ही कर रहे हो, ज्यादा नींद आ रही है, फिर जल्दी करो, हो गया पूरा, बेटा नोट कर भाई, अपॉन L1 अपॉन L1, ठीक है चलो आगे देखो, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ करंट, लास्ट है मेजरमेंट ऑफ करंट कैसे करेंगे इस केस में, तो यहां पर अगर 1 और 2 को करेंगे तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत, इसको करके दिखाओ फटाफट, कैसे करोगे, एक लाइन में करना है जल्दी से, यहाँ पर एक बैटरी भी है जिसका पोटेंशियल E नॉट होगा, ठीक है ये सर्किट गलत है, सर्किट गलत है बता, यहाँ हटा रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं क्या, अपने ये काट दो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है मैं बना रहा हूँ, सर्किट बनाओ साथ साथ, ठीक आपका रिवर्सेट हो गया, प्राइमरी सर्किट हो गई, ठीक है ये आ गया आपका पोटेंशियल E नॉट, ठीक है ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा एक, ठीक फिर आप एक रेजिस्टेंस तक की एक एक ब्रांच आप ये बनाओगे कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल E, क्या है एक बैटरी लगी हुई है इसके साथ साथ, ठीक है और साथ में एक रियोस्टेट है, साथ में एक रियोस्टेट है, यहां पर भी एक की है, यार ये बना नहीं सही से, तो हम इसको कहां बना दें, जगह कम है, एक मिनट रुको, देखो वापस से देखो बना रहे, ये क्या हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ठीक है सिंपल है, अब यहां से आपकी एक बैटरी है विद पोटेंशियल E नॉट, ठीक है और ये आपका टर्मिनल हो गया, ठीक फिर आपका एक रेजिस्टेंस है R विद अ की, ठीक है और फिर आगे जाके ये सर्किट किससे कनेक्ट होती है, एक बैटरी से जिसकी पोटेंशियल कितनी है E, ठीक है कनेक्टेड अक्रॉस आर रियोस्टेट एंड ये रियोस्टेट है जाके यहाँ पर एक की भी बना लो, ठीक है अगर इसको हमें ओपन करना हो
तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रियोस्टेट। और यहां पर आपका एक गैलोमीटर लगा हुआ है विद जॉकी। ठीक है, ये हो गया आपका जी। ठीक, अब ये पॉइंट हो गया वन, ये हो गया टू, और यहां पर एक पॉइंट ले लो थ्री। अब इनको आप कनेक्ट कर सकते हो, ये आपकी ओरिजिनल सर्किट है। ठीक है, वन टू, वन माइनस टू नहीं है, वन टू को प्लग कर रहे हैं। जब वन टू को प्लग कर देंगे, अगर इसको प्लग किया तो जो बैलेंस कंडीशन AJ आएगी वो क्या आ जाएगी, अगर हमारी लेंथ क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया इसको L नॉट, तो ऑब्वियसली E नॉट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, S L नॉट के बराबर होगा। पहला पार्ट तो बहुत आसान था। जब हम 2-3 को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम 2-3 कनेक्ट करेंगे, यहां से इसको मिटा देते हैं, अब हमारा जॉकी चेंज करेगा अपनी पोजीशन। तो मैंने J डैश मान लिया, कितना मान लिया J डैश, ये हो गया तुम्हारा J डैश, और मैंने 2-3 को कनेक्ट कर दिया। की को क्लोज ही रखना है, तो इसको मैं हटा के एक स्ट्रेट वायर लगा देता हूँ, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए जो आपका पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, लोड रेजिस्टेंस होगा आर के क्रॉस। ठीक है, तो कितना आएगा V is equal to, अब ये हमें I नहीं पता, हमें I फाइंड करना है, लेकिन हमें भी पता है कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा दैट इज I into R, सर्किट में जो भी करंट होगा, और जो बैलेंस कंडीशन आएगी, मतलब एक चीज क्लियर है कि ये तो ऊपर वाला पार्ट तो ओपन सर्किटेड है, करंट वहां नहीं जा रहा है क्योंकि जी आपका जीरो है। अगर जी जीरो है तो ऑब्वियसली इस सर्किट से करंट लीक नहीं हो रहा है ना, लेकिन हमें वोल्टेज, जब क्योंकि हमें अच्छे से सिखाया गया है कि जो आपकी एक्स इंटू मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू जो भी लेंथ होगी, यहाँ लिया है एल वन, वो एक्चुअली पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, जो भी उसके नीचे ब्रांच होगी। तो ब्रांच कौन सी, आर ही तो है, तो R का पोटेंशियल दिखा रहा है वो, तो R के क्रॉस जो पोटेंशियल है हमने मान लिया I है, I नहीं पता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी x इनटू L1 के बराबर, इसीलिए तो पोटेंशियोमीटर आया था प्ले में। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर्किट ओपन होती है तो करंट जीरो होता है लेकिन वोल्टेज जीरो नहीं होता है। ठीक है, यहां से ये आ गया, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी को रीअरेंज कर लिया x L1, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी x L1 अपॉन R। ठीक है, फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं E नॉट अपॉन L नॉट x के लिए। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, ये वाला तो लिखा हुआ है L1 अपॉन R इनटू E नॉट अपॉन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर करंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा करंट का फॉर्मूला, नोट करिए फटाफट। ठीक है, आपका यहां पर चैप्टर एंड हो जाता है थ्योरेटिकली, 2-3 क्वेश्चन है वो करा लेते हैं। ठीक है सर, क्या पहली बार उसका गलत बना दिया, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक मिनट रुकिए। ये देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, टू सेल आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट टाइम दे सपोर्ट ईच अदर एंड द सेकंड टाइम दे अपोज ईच अदर। ठीक है, दे आर बैलेंस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ ओवर का 120 सेंटीमीटर, ऑलरेडी बता दिया 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर में वो बैलेंस हो रहे हैं, मतलब ये वो लेंथ है जिस पर आपका गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल, कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं E1 अपॉन E2 निकाल दो, क्या कह रहे हैं E1 अपॉन E2 निकाल दो। अभी आपको करना है, जल्दी से करो, क्या करेंगे, पहले मान लीजिए यहां पर कुछ, ये पहले पढ़ो इसको ध्यान से, इन्होंने पहले से किया होगा इसलिए कर लिया, क्या कह रहे हैं फर्स्ट टाइम दे सपोर्ट, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेल को, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर बाद में क्या कह रहे हैं, जब दूसरा अरेंजमेंट किया तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ भैया, ई वन माइनस ई टू, एक बार ये होगा और एक बार क्या होगा ई वन प्लस ई टू। पहले हम मान लेते हैं लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट B x, ठीक है, B x,
कितना है ये x के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले केस के लिए, जब हमने e1 plus e2 किया तो आप क्या हो गए, अलग अलग लेंथ है, तो यहां पर l1 कितना दिया हुआ है, l1 की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर फॉर e1 plus e2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x into 120, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर फॉर l2 is equal to 60 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा ये बताइए, e1 minus e2 is equal to x into 60, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है, दोनों का रेशियो तो निकालो फटाफट, x तो कट ही जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा बताओ, तो यहां से आ जाएगा बताओ e1 plus e2 upon e1 minus e2 is equal to 120 x into 120 upon x into 60, x कट जाएगा ये आ जाएगा 2 upon 1, यहां से आ जाएगा e1 plus e2 is equal to twice of e1 minus e2, ठीक है, या फिर e1, अब यहां 2 e1 है, ठीक है, plus e2 is equal to 2e1 minus 2e2, e1 वाले को एक तरफ कर लो, e2 वाले को एक तरफ कर लो, तो e1 यहां से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2e1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां जाएगा 2e2 plus e2 is equal to 2e1 minus e1, ये हो जाएगा 3e2 is equal to e1, या फिर बताओ e2 upon e1 is equal to 3 ratio, यही इसका आंसर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बस रीड करना है, सर्किट भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है, कर लिया, आ गया पहले, आ गया पहले, तुम्हें आ गया पता नहीं कैसे आया, अरे तो अच्छी बात है, पता नहीं क्या होता है, तुम्हें आ गया तो वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर वायर AB ऑफ लेंथ L and resistance कितना है 9 times of small r is joined to the cell D of EMF E, यहाँ पर EMF कितना बता रहे हैं, E बता रहे हैं, and internal resistance कितना है small r, the cell C dash ठीक है is EMF is E by 2, कितना है ये E by 2, ठीक है, तो मतलब आपका प्राइमरी सर्किट में क्या है आपका EMF E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, तो इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता है ना, आपने को तो सेकेंडरी देखना है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2R, इसका इंटरनल कितना दिया हुआ है 2R, द गैल्वेनोमीटर G विल शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन द लेंथ AJ इज, तो आपसे पता है क्या पूछ दिया, आपसे AJ पूछ दिया, आपसे जानबूझकर AJ पूछ दिया, जो आपको आ रहा है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है इस बार उसने, जानबूझ के आपसे पूछ दिया ये L1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको सब कुछ बता दिया, अब करो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, L1 is equal to epsilon L by 2, E by 2 होगा, गलत बता रहे हैं, क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि AJ जब ये बैलेंस हो गया तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही तो इसका पोटेंशियल होगा, तो x into L1 is equal to E by 2, सिरदर्द क्या है x, सिरदर्द क्या है x, x के लिए एक फॉर्मूला बहुत पहले सिखा दिया था, x के लिए एक फॉर्मूला आपके पास बहुत पहले से है, अरे वो तो ये लिखा हुआ है सर, है ना, अब तो कर लो,
तो यहां से क्या आ जाएगा, एड ही तो करना है। अरे यार खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ये। चलो वापस, बस बस ही खत्म हो रहा है चैप्टर, टेंशन मत। तो एक्स का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एक्स के हिसाब से ये कितना आ जाएगा बताइए, कोई तो बताओ यार। अरे ये 9R ऑलरेडी दिया हुआ है, AB का रेजिस्टेंस ऊपर दिया हुआ, कहां दिया हुआ है, ये 9R प्लस R कितना आ जाएगा, 10R हो जाएगा टोटल। तो लिखो ना इसको, E अपॉन 10R इनटू RP, RP 9R है अपॉन L, L कितना है, यस L। ठीक, अब आपको बस x की वैल्यू पुट करनी है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ, आंसर मुझे बताओ करके सॉल्व। हो गया सर। l की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। l1 की वैल्यू आ जाएगी, तो l1 इज इक्वल टू e by 2x, या फिर e by 2 इनटू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, e इनटू 9r, और डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, 5L upon 9 कितना आ गया, 5L upon 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर नोट कर लो। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, बिना पेन चलाए कर सकते हो तो कर लो। ठीक, किसी को अभी समझ नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, आया तुम्हें अर्शित पक्का, मुझे तुम लोग को देख के लग नहीं रहा है तुम लोग कह कुछ रहे हो कुछ रहा है। वापस समझा देता हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, ये डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सर्किट अगर याद ना हो तो दिखा देता हूँ पूरा भैया। ये डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रियोस्टेट जो लगा है, मतलब प्राइमरी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है प्लस जो इस वायर का रेजिस्टेंस है। अब हमारी जो सर्किट है उसको देख लो फटाफट, फटाफट जाओ वहां पर, टाइम खराब नहीं करना है। देखो हमारी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल नहीं, हमारे पास सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो प्राइमरी में कितना आ जाएगा स्मॉल आर, तो प्राइमरी सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, तो ये कितना है, ये दिया 9R प्लस R, कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 10R, तो E upon 10R समझ में आया, इनटू पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस RP जिसको लिखा था मैंने फॉर्मूले में, अपॉन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये क्या 9R upon L हो जाएगा, ये फॉर्मूला समझ में आया, नहीं आया तो पूछो ना यार, अब करो इसको सॉल्व, ये आ जाएगा 5L upon 9। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एंड द इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ द वायर AB इज 3 meter, इसकी लेंथ दे दी तुम्हें कितना है ये 3 meter, अब इसको सेंटीमीटर में करना है नहीं करना है तुम सोचो, एंड द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू 4.5 ohm, ये ohm लिखा हुआ है, द लेंथ AC फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज, तुमसे पूछ दिया अगेन AJ पूछ दिया, मतलब फिर से तुमसे पूछ दिया L1, तुमसे कितना पूछ रहे हैं L1 बता दो, अब दिमाग तुम्हें फिर से लगाना है, फिर से एक सेकेंड में x देख लेना, x वैल्यू नहीं दी हुई है, x निकल जाएगा लेकिन सामने है तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा देखो, x L1 is equal to, ये जानबूझ के दिया है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, I की वैल्यू तुम्हें सोचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 का पोटेंशियल डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, फिर से नहीं दिख रहा है चेहरा देख के, समझ में आ रहा है नहीं पच रहा, देखो ध्यान से देखो ना, जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मतलब ब्रांच में करेंट जीरो, तो जो भी यहाँ पर पोटेंशियल आएगा वो तो E1 का ही आएगा ना, करंट होता तब तो पोटेंशियल ड्रॉप होता, जब करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ मैं सर 3 के बराबर। अब x निकाल लूं तो काम हो जाएगा, x के लिए ऊपर जाना होगा 5 अपॉन, ये इसका कितना है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4.5 प्लस 0.5 क्या आ जाएगा ये 5 इनटू, अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 4.5 अपॉन लेंथ कितनी दी है 3 meter, मीटर लिखेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर में मीटर लिखेंगे, चलो ये तुम करो, यहां तक कर दिया कर लेना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, L1 की वैल्यू निकालनी निकाल लोगे तुम, ऐसा ही में चलेंगे ना हमेशा,
एसआई में ना, अब कर लेना ठीक है, कोई दिक्कत। एल1 कितना आ गया, एल1 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, अरे डिनोमिनेटर में जाएगा ना, एल1 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। कर लोगे आप, कभी भी नहीं कर पाओगे। 2 मीटर कितना आ गया, 2 मीटर बस इतना ही करना था, इतना आसान क्वेश्चन है ठीक है। कैसे किया, अगर अभी डिवीजन नहीं आता, देखो भाई 9 था और 9 का आता था 4.5, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 9 मिल जाएगा, तो भाग दिया सिर्फ सिंपल ठीक है। तो 9 को डिवाइड किया 4.5 से कितना आ गया 2, ये इसका आंसर ठीक है। चलो ये आपका पूरा समअप करता है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ खत्म हो गई, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर ठीक है। कैपेसिटर मैक्सिमम 3 से 4 सेशन में खत्म करेंगे हम लोग ठीक, फिर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक। अभी हमने बड़े बड़े चैप्टर बहुत स्लो पेस पे पढ़ाए आप लोगों को, अब जो आएंगे उसमें स्पीड बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आएंगे भी, पुराना जब पढ़ के आओगे तो ठीक है। सबसे बड़े बड़े चैप्टर आपके धीमे धीमे खत्म हो ठीक। अब एक सबसे बड़ा चैप्टर बचा है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट। पूरी किताब जो पार्ट वन है उसमें सिर्फ एक चैप्टर है सबसे बड़ा है जो कि मैग्नेटिक, उसके बाद सारे छोटे चैप्टर हैं। अब उसके बाद जब हम सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे तो ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर होगा, बाकी सारे छोटे ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।